ನಮಾಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವದೇವ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರವಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಓಂ ನಮೋ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಶ್ರೀ ಸುಖ ಉವಾಚ ಏವಂ ಪುತ್ರೇಷು ನಷ್ಟೇಷು ದೇವಮಾತಾದಿತಿಸ್ತದಾ ಹೃತೆ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇ ದೈತ್ಯೈ ಪರಿತಪ್ಯತ್ ಅನಾಥವತ್ ಏಕದಾ ಕಶ್ಯಪಸ್ತಸ್ಯ ಆಶ್ರಮಂ ಭಗವಾನ್ ಅಗಾತ್ ನಿರುತ್ಸವಂ ನಿರಾನಂದಂ ಸಮಾಧಿರ್ವಿರತಃ ಚಿರಾತ್ ಏವಂ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪುತ್ರೇಷು ನಷ್ಟೇಷು ಪುತ್ರೋ ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೆ ಹಟ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ ಜಬ್ ವೋ ದಿಖಾಯಿ ನಹೀ ಪಡ್ ರಹೆ ಥೆ ತೊ ದೇವತಾಓ ಕಿ ಮಾತಾ ಅದಿತಿ ಅದಿತಿ ತದಾ ಹೃತ ತ್ರಿವಿಷ್ಟ ಪೇ ಸ್ವರ್ಗ ಹರ ಲಿಯ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ ದೈತ್ಯೋ ಕೆ ದ್ವಾರ ಪರ್ಯ ತಪ್ಯತ್ ಬಹುತ್ ದುಃಖಿ ಹುಯಿ ಅನಾಥವತ್ ಅನಾಥ ಜೈಸ ಅನಾಥಿ ಜೈಸ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಅನಾಥವತ್ ಏಕದಾ ಕಶ್ಯಪಸ್ತಸ್ಯ ಏಕ ಸಮಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಮುನಿ ತಸ್ಯ ಆಶ್ರಮಂ ಉಸ್ಕೆ ಆಶ್ರಮ ಪರ್ ಘರ್ ಪರ್ ಆಯ ನಿರುತ್ಸವಂ ನಿರಾನಂದಂ ಸಮಾಧಿರ್ವಿರತಃ ಚಿರಾತ್ उन्होंने देखा कि अदिति का घर निरुत्सव है, कोई आनंद का चिन्ह नहीं है, कोई सजावट आदि नहीं है, निरानंदम आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है उस आश्रम पर। समाधि से विरत उठकर आए थे चिरात, बहुत दिन तक समाधि में रह गए, उसके बाद आए थे और आकर के उन्होंने देखा कि अदिति का आश्रम, अदिति का घर निरानंद है और बिना उत्सव के है। कश्यप मुनि देवताओं के पिता हैं, जितने भी देवता हुए आज तक हुए हैं, जैसे इंद्र जिनमें प्रधान है, इंद्र आदि वरुण, इंद्र वरुण
देवताओं में प्रधान है, तो जब दैत्यों ने छीन लिया स्वर्ग, कैसे छीना, जब बलि महाराज को मार दिया इंद्र ने, तो बलि महाराज बहुत दुखी हुए और वे विश्वजीत यज्ञ किए। उस यज्ञ में उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों का की पूजा किया। भृगुवंशी ब्राह्मण जैसे शुक्राचार्य, उन्होंने बहुत पूजा किया, बहुत सेवा किया, उनको बहुत धन दिया, बहुत धन दिया और बहुत प्रकार से सेवा किया। तो वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम वर मांगो। तो बलि महाराज ने यही वर मांगा कि हम चाहते हैं स्वर्ग को जीतना, स्वर्ग को जीतना चाहते हैं। तब शुक्राचार्य ने कह दिया ठीक है, इसके लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, एक यज्ञ करो, उससे रथ निकलेगा, घोड़े निकलेंगे, हाथी निकलेंगे, उससे तुम विश्व विजय कर सकते हो। स्वर्ग की तो बात ही क्या, तुम ब्रह्म लोक तक जीत सकते हो। तो बलि महाराज ने वैसा ही यज्ञ किया, उससे रथ निकला, घोड़े निकले, हाथी निकला और बहुत से सैनिक निकले, वे स्वर्ग को जीत लिए उस यज्ञ के प्रभाव से। इस बात का पता देवताओं को नहीं था, देवता तो सब आनंद में थे, भोगों में थे, भोग में थे और उधर यज्ञ कर रहे थे असुर लोग, जिनमें असुर में बलि महाराज मुख्य थे। देवताओं को पहले विजय मिली थी तो वे सब भोग में लग गए और असुर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के प्रभाव से वे स्वर्ग को जीत लिए, सारे त्रिलोकी को जीत लिए। तीनों लोकों में तो स्वर्ग भी है, सबसे ऊपर का लोक उसको स्वर्ग कहते हैं, ऊपर के लोक को और रसातल नीचे के लोगों को भी जीत लिए। यही होता है, जब कोई व्यक्ति भोग में पड़ जाता है तो उसकी उन्नति होती ही है। तो देवता लोग भोग में पड़ गए और असुर यज्ञ कर रहे थे। देखिए उल्टा क्या स्थिति है, जो यज्ञ करेगा, ब्राह्मणों की पूजा करेगा, वो तो उसका तो उत्कर्ष होगा ही। जब त्रिविष्टप का स्वर्ग जब दैत्यों के हाथ में चला गया, तब देवता देव माता अदिति बहुत दुखी हुई, ऐसे दुखी हुई जैसे अनाथिनी है। यद्यपि उसके नाथ तो थे, सबके नाथ तो जगन्नाथ जी हैं, और वैसे भी वो सनाथ थी, उसके पति थे कश्यप जी, लेकिन उसके पुत्र सब भाग गए स्वर्ग छोड़कर, तो ऐसे दुखी हो रही थी जैसे अनाथिनी हो गई, परितप्यत अनाथवत। उसका कोई रक्षक नहीं रहा, ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा धन, मेरा घर, मेरा सब कुछ छीन लिया गया है।
ये सिद्धांत है, जो व्यक्ति भोग में हो पड़ जाता है वो खोद देता है भगवान की, ऐसी ही व्यवस्था है। वो धन खोदता है, घर खोदता है, सारा आनंद खोदता है। जो व्यक्ति यज्ञ करेगा उसकी उन्नति होगी ही, ये निश्चित है, भगवान का विधान है। तो दैत्य सब यज्ञ कर रहे थे, दैत्य में प्रधान थे बलि महाराज, यज्ञ में लगे हुए थे। इधर देवता इंद्र वरुण आदि देवता सब भोगों में पड़ गए, क्योंकि वे सफल हुए थे, युद्ध जीत गए थे, इसलिए वे इस भावना में थे कि अब हम पर कोई संकट नहीं आएगा, हम चाहे जैसे भोग भोगे। भोग का अर्थ है अब अच्छा खाना, अच्छा पीना, बेड लगा करके सोना खो और नाच गान करना है, इसको भोग कहते हैं। तो देवता सब भोग में पड़ गए और उधर असुर लोग यज्ञ कर रहे थे, ये उल्टा हो गया है। असुर लोग कभी यज्ञ नहीं करते हैं, वे तो सताते हैं, पशुओं को मार कर खाते हैं, शराब पीते हैं। लेकिन उल्टी स्थिति हो गई, देवता सब भोगों में पड़ गए और असुर लोग यज्ञ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। ये हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वे आदित्यनाथ हैं। आदित्यनाथ का अर्थ है अदिति के जो भी पुत्र हैं वे सब आदित्य हैं, और उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं वामन भगवान। वामन भगवान कैसे पैदा हुए थे? पयोव्रत करने से। जब अदिति माता ने पयोव्रत किया तो भगवान वामन देव प्रकट हुए, ये कथा है सारांश में। एवं पुत्रे सुनष्टेशु देव माता अदितिस्तदा, पुत्रों के दर्शन से अर्थात उनके भाग जाने से, स्वर्ग छोड़ करके भाग जाने से देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। वो परितप्यत, वो बहुत दुखी हुई, अनाथवत, ऐसा लग रहा था कि हमारा कोई रक्षक नहीं है। वैसे सबके रक्षक तो जगन्नाथ जी हैं ही, सभी जीवों के रक्षक, सभी के रक्षक, देवताओं के, असुरों के, मनुष्यों के, सबके रक्षक हैं जगन्नाथ जी, ये जगत के नाथ हैं। लेकिन अदिति ऐसे दुखी हो रही थी जैसे लगता था कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई रक्षक नहीं है, नाथ नहीं है। बहुत दुखी थी। और कश्यप जी बहुत दिनों के बाद, समाधि के बाद उसके घर पर आए थे, उनकी बहुत सी पत्नियां थी जैसे दीति, अदिति और भी अनेक पत्नियां थी। कि बहुत वर्षों तक वे समाधि में रह गए, समाधि में रहने से उनको पता नहीं चला कि कौन यज्ञ कर रहा है, कौन राज कर रहा है, क्योंकि समाधि व्यतश्चिरात चिर काल तक, देव काल, बहुत काल तक वे समाधि में रह गए। पहले के महान लोग
वे भगवान के ध्यान में रहा करते थे। आपने सुना होगा सतयुग में ध्यान करते थे लोग, यही भगवान के पूजा की पद्धति थी। और त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा, मंदिर बना करके पूजा करना, यही विधि थी। लेकिन इस कलयुग में कोई विधि नहीं है, केवल भगवान का नाम। कलेप दोष निधे राजन, अंत में भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यह कलयुग दोष का खजाना है, दोष निधे, दोष की निधि है। जितने प्रकार के दोष हैं ये कलयुग में रहते हैं, लेकिन एक महान गुण है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति, ये को महान गुण है, लेकिन एक महान गुण है इसमें। क्या गुण है? कलयुग में कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगह परम भजन, केवल कृष्ण के कीर्तन से, नाम कीर्तन से जीव मुक्त हो जाता है और परम ब्रजेत, भगवान के धाम जाता है। कलयुग में एक गुण बहुत है, दूसरे युग में वो नहीं है। एक गुण है जो दूसरे युग में नहीं है। क्या गुण है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगह परम ब्रजेत, केवल कृष्ण के कीर्तन से, इस महामंत्र के कीर्तन से जीव मुक्त हो जाता है और परम ब्रजेत को वैकुंठ जाता है, भगवान के धाम में जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यही विधि अपनाए। कलयुग में वे भगवान के नाम का उच्चारण करना सिखाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी नाम संकीर्तन से उन्होंने देश विदेश में सब जगह भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी के पहले भी गए थे बहुत लोग विदेश में, लेकिन एक सिंगल भक्त नहीं बना पाए। आज से लगभग 107 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका में, सर्वधर्म सम्मेलन था, सभी धर्मों का सम्मेलन था वहाँ। मैं भी वहाँ गया हूँ एक बार देखने के लिए, लेकिन एक भक्त भी नहीं बना पाए, क्योंकि वे ये विधि जानते नहीं थे, भगवान की विधि को, भगवान के नाम कीर्तन को जानते नहीं थे, इसीलिए वे एक भक्त नहीं बना पाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद हजारों हजारों भक्त को बना दिए, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में सब जगह जहाँ जाइए वहाँ भगवान के भक्त मिलते हैं। हमने देखा है न्यूयॉर्क में रथ यात्रा, लॉस एंजलिस में रथ यात्रा देखा है, कितनी भीड़ होती है सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग जवान हो, तुम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, बारंबार कहा करते थे। खास करके उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में बात कही थी। मुख्य जिम्मेवारी है हम भारतीयों पर, प्रचार करो प्रचार करो, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करना ही सार है, प्रचार जैसे हो करना चाहिए, ये प्रचार ही है, ये कथा कहना, कीर्तन करना, भगवान की पूजा करना, सब प्रचार है। हम लोग अकेले भजन नहीं करते हैं,
समाज में भजन करते हैं, यही विधि है। हम लोग अकेले नमाज नहीं पढ़ते हैं, भगवान के समाज के साथ पढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब जगह ये विधि है, प्रभुपाद जी की कृपा से सर्वत्र सुलभ है सब। अब जहाँ जाइए वहाँ पुस्तकें हैं बहुत, और भक्त कीर्तन करते हुए पाए जाते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में। बॉम्बे में प्रभुपाद जी कहा करते थे कि किसी समय आओ, तुम्हारे लिए प्रसाद सुलभ है। और वे कहा करते थे कि अब तुम आते नहीं हो तो हम क्या करें, आओ देखो कि हमारा मंदिर कैसा है। वास्तव में मंदिर का क्या रूप होना चाहिए इस कान से ही सीख सकते हैं। मंदिर बनाया जाता है, प्रसाद वहाँ चलता है, प्रसाद और पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलती हैं। जिस मंदिर में जाइए वहाँ सालों भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता ही है। पहले मैं ये जानता था कि मैराथन में केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब दिसंबर के महीने में, लेकिन अब पता चल गया कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब समय होता रहता है, सालों भर बारहों महीने कर चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका सार यही है महामंत्र, इसी के बल से प्रभुपाद ने सब जगह प्रचार किया। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखिए उसको कही कृष्ण का उपदेश। कृष्ण ने क्या कहा है, कृष्ण का उपदेश है कि मन मना भव मत भक्तो मध्याचि माम नमस करो मामे वैसे सत्यंत प्रति जाने प्रियो सिमे। मुझ में मन लगाओ, मेरा कीर्तन करो, मेरा भक्त बनो, मैं तुमसे सत्य बात बोल रहा हूँ, प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, इस शरीर के छूटने के बाद तुम मेरे पास नहीं आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यही भगवान की आज्ञा है। तो जिसको देखिए उसको कहिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखिए उसको कृष्ण का उपदेश कहिए। बहुत सिंपल बात है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति दो पुरुषों को भी वो कह सकता है। ये कृष्ण का यही उपदेश है, भगवान में मन लगाओ, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम लो। ये तो कोई भी कर सकता है। अगर अपने परिवार में हैं तो परिवार के लोगों को सिखा सकते हैं, गांव में है तो गांव के लोगों को इकट्ठा करके प्रचार कर सकते हैं, और किसी कम्युनिटी में हेड है तो उस कम्युनिटी को बुला करके सबको सिखा सकते हैं, सब लोग कीर्तन कीजिए। अपने गांव में कर सकते हैं कीर्तन करना, कीर्तन करना है बस, यही मुख्य है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है इसको, इतनी कृपा प्रभुपाद ने किया है
उसको अपनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ कथा के आयोजन है, आयोजक लोग पहले से ही इतना पर ही संतुष्ट होने के लिए तैयार हैं। ये पहले से ही पता है कि कथा बहुत देर तक नहीं हो पाएगी, से अब आज्ञा के पालन के लिए हम एक दो बात कहना चाहते हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे कि देवताओं का शक्ति छीण हो गई, उनका ऐश्वर्य समाप्त हो गया। उसका कारण था कि वे लोग भोग में पड़ गए थे और दैत्यों की स्थिति थी कि वे देवताओं के द्वारा पराजित हो चुके थे, लेकिन ब्राह्मणों की सेवा का फल और यज्ञ करने का फल ऐसा हुआ कि उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि पराजित करने की बात तो दूर है, देवता लोग दैत्यों के समक्ष खड़ा होने का भी साहस नहीं कर रहे थे। इसके पहले यहाँ से कथा प्रारंभ हुई, एवं पुत्रेषु नष्टेषु, तो इसका विस्तार से वर्णन किया गया और उसमें दो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दैत्य बहुत पिटाई खाए थे, यहाँ तक कि दैत्यों के जो लीडर हैं अशुभिश्चापितः, उनको इतनी चोट लगी थी कि संशय हो रहा था कि जीवित हैं कि मर गए, और दैत्य लोग यह मान करके ही कि लगता है कि मृत्यु हो गई, उनमें चेतना का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी उनके गुरुजी शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं और इसलिए वे लोग वहाँ लाए और वे लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, सर्वात्मना तान भजत, सब प्रकार से सेवा कर रहे थे। और जैसा आप सुने कि खास करके धन दे करके शिष्यों महात्मार्थ निवेदने न ब्राह्मणों को वे दक्षिणा दे रहे थे, भाई बहुत धन कैसे दे दिए, कि महात्मा वो कंजूस नहीं थे, उदार चित थे, तो ये लोग धन दिए और सब प्रकार से सेवा किए, मन से, वचन से, शरीर से, तो उनकी स्थिति वही जीवित हो गए, तो जीवित होने के बाद तो और सेवा करने लगे और श्रद्धा और बढ़ गई। अर्थ निवेदने न, कि एक अर्थ है कि अपने प्रयोजन को बतला करके सेवा कर रहे थे, हम लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन हम लोगों के मन में यह इच्छा है कि हम लोग स्वर्ग पर विजय प्राप्त करें, और उसके लिए ब्राह्मणों ने खूब अच्छा से आयोजन किया, प्रिय माणा, उनके सेवा से प्रसन्न थे। तो महाभिषेकेण यज्ञ जैसे संपन्न करना चाहिए सब विधि विधान का पालन करके वे यज्ञ प्रारंभ कराए। विश्वजीत उनके मन में था कि स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना है तो विश्वजीत यज्ञ प्रारंभ कराए, और
यज्ञ का परिणाम हुआ कि यज्ञ कुंड से ही युद्ध के सारे सामग्री निकल गए। ये विचित्र बात है, यज्ञ कुंड से ही रथ निकला। रथ का वर्णन किया गया है पुरटोपनद्ध, वे सोने के पत्थर से मढ़ा हुआ था, या कम से कम सोने के वस्त्र से, जिस वस्त्र में सोने का तार था वैसे तार से उसको सजाया गया था। तो रथ निकला, केवल रथ ही नहीं, यज्ञ कुंड से ही घोड़े निकले। और घोड़ों का वर्णन किया गया कि हर्यश्व तुरंग वर्ण, जैसे इंद्र के घोड़ों का रंग है ठीक वैसे ही हरित वर्ण के घोड़े निकले। और एक ध्वजा निकला सिंह विराजितेन, ध्वजा पर सिंह का चिन्ह था। और दो तरकस निकले, तरकस की विशेषता यह थी कि उसके बाण कभी खत्म होने वाले नहीं थे, तो एक ही तरकस सफिशियंट था, उसके बाण खत्म होने वाले ही नहीं थे, कितना भी निकालते जाओ। लेकिन फिर भी दो तरकस निकला। और इस तरह युद्ध की सारी सामग्री यज्ञ से प्राप्त हो गई। यह यज्ञ की महिमा है। अब जब यज्ञ से सब चीज प्राप्त हो गया, और प्रहलाद महाराज जो बलि महाराज के पितामह हैं, तो उनको माला पहनाए। माला की विशेषता दी गई है कि अम्लान पुष्पम, ऐसी माला थी कि उसके पुष्प कभी मुरझाने वाले नहीं थे। हम लोग तो यहाँ माला रखते हैं तो समस्या होती है, खास करके गर्मी के दिन में बहुत भारी समस्या है कि कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए। और कितने लोग मूर्खता करते हैं कि माला को फ्रिज में रख देते हैं। अब माला को फ्रिज में रखने का अर्थ है कि जिसको माला पहनाएंगे उसको कुछ ना कुछ दुख जरूर देंगे। अब जितना महंगा कपड़ा पहन करके आया है उतना भारी दुख में पड़ेगा। प्रहलाद महाराज जो माला पहनाए तो अम्लान पुष्पम, और सब चीज ऐसे प्राप्त हो गया। और कृत प्रणाम, ब्राह्मणों को प्रणाम किए और प्रहलाद महाराज से मंत्रणा करके वे युद्ध के लिए, स्वर्ग पर विजय के लिए निकल गए। और शुक्राचार्य के द्वारा प्राप्त शंख था, और पहले दूर से ही स्वर्ग के बाहर से ही शंख बजाए, और शंख की आवाज सुन करके वह इंद्रजोशिता, स्वर्ग की जो स्त्रियां थी बहुत भयभीत हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य क्रतु महाराज जी पीछे दिख रहे हैं, उनका इस आयोजन के तरफ से स्वागत है। बहुत अच्छा है। हम
वर्णन कर रहे थे कि यज्ञ से सब सामग्री प्राप्त हो गई। ब्राह्मणों को प्रणाम करके, प्रहलाद महाराज को प्रणाम करके और स्वर्ग पर विजय के लिए चले, और स्वर्ग के दूर से ही शंख बजाए। उसका परिणाम यह हुआ कि स्वर्ग के स्त्रियों के हृदय में भय छा गया, वे बहुत भयभीत हो गई। अब इंद्र देखने के लिए आए, तो शुरू से ही, दूर से ही वे एक अनुमान कर लिए कि इस समय तो बलि का तेज बहुत बढ़ा हुआ है, और वे बहुत भारी आश्चर्य में पड़े कि इनको तो पहले हम लोग पराजित किए थे, बहुत पिटाई किए थे, लेकिन इस समय उनका जैसा तेज है तो स्पष्ट है कि हम लोग सामने नहीं टिक सकते। बलि महाराज के तेज का वर्णन किया गया है कि जब रथ पर बैठे थे और आभूषण इत्यादि धारण किए थे, खास करके अपने बाहों में बाजूबंद अंगद पहने थे, कानों में कुंडल धारण किए थे, तो वैसे वे चमक रहे थे जैसे कुंड में स्थित अग्नि। हव्य वाट, कुंड में कोई आग है, अग्नि यज्ञ कुंड में, और उस समय जैसे उसका तेज होता है तो वैसा तेज बलि महाराज का था। इंद्र समझ गए कि इस समय हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते, और इंद्र जा करके अपने गुरुजी से मंत्रणा किए, गुरुजी से प्रश्न किए, बृहस्पति जी से प्रश्न किए कि आप कारण बतलाइए। वो जिन्हें शत्रुओं की शक्ति अति छीण थी, और वे इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, ऐसा लग रहा है कि वे अपने आंखों से ही, दृष्टि से ही आकाश को पी जाएंगे। लड़ाई करने की बात तो दूर है, अपने दृष्टि से ही सारे संसार को पी जाएंगे। हम बहुत भारी आश्चर्य में हैं कि इतना तेज कैसे बढ़ गया। और बृहस्पति जी बतलाने लगे कि जानामि भगवन क्षत्रो उन्नते रस्य कारणम शिष्यायोपभृतम तेजो भृगुभिर ब्रह्मवादी भी। यानी कि हमें पता है कि यह तेज क्यों बढ़ा है। वास्तव में ये बलि महाराज का अपना तेज नहीं है, शिष्याय उपभृत, ये तो भृगुवंशी ब्राह्मण अपना तेज उनके अंदर रख दिया, तो ब्राह्मणों का तेज है। और तुम सही अनुमान किए हो कि इस समय तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, और तुम्हारे जैसा कोई या तुम भी उनके सामने नहीं टिक सकते। एक भगवान को छोड़ करके इस समय बलि महाराज के सामने कोई नहीं टिक सकता, और इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग स्वर्ग छोड़ करके कहीं छिप जाइए। तो इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने से, उनके सलाह से देवता लोग स्वर्ग का त्याग कर दिए और छिप करके रहने लगे, और देवता सब स्वर्ग का त्याग कर दिए। अब किसी भी देवता का पता ही नहीं चल रहा था, अदिति के कई एक संतान हैं, एक भी संतान का पता नहीं चल रहा था, सब अदृश्य थे। तो पर्यतप्यत अनाथवत, वह बहुत दुखनी हुई, अनाथनी के समान दुख में पड़ गई। अनाथनी के समान कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अनाथनी, अनाथवत, वो अनाथनी के समान। कहने का आशय यह है, कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे पुत्र अदृश्य हो गए, उनके पति तो है ना, किसी स्त्री का सबसे बड़ा सहारा तो पति होता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का आशय है कि पति तो जरूर हैं, लेकिन वे कोई कनेक्शन नहीं रखे हैं, समाधि में है, तो पति रहते हुए भी कोई सहारा नहीं अनुभव कर रही है, तो इस अर्थ में अनाथवत कह रहा है। तो ऐसे ये कथा का उपक्रम है, अभी आप महाराज श्री के मुख से सुंदर व्याख्या सुन रहे हैं।
तो आगे अब कल से इसी प्रसंग को महाराज जितना बोलेंगे। हरे कृष्णा।